तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे यूनिक और बहुत ही खूबसूरत प्लांट की हम बात करने वाले हैं जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं दोस्तों। इसका नाम है दोस्तों बिगुनिया, पूरा नाम है दोस्तों बिगुनिया रेक्स रेड रॉबिन। इसके अलावा दोस्तों इसे बिगुनिया रेड या बिगुनिया रेक्स के नाम से या लाल पत्ती वाला बिगुनिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और इसे कटिंग के माध्यम से कैसे लगाते हैं इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों बिगुनिया में काफ़ी वेराइटी आती है, 120 से ऊपर वेराइटी मिल जाती है, जिसमें इंडिया में आपको 60 से ज़्यादा वेराइटी मिल जाएगी देखने को। अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, जैसे मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको। तो दोस्तों इसमें सिंगल पैटर्न, डबल पैटर्न, अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग कलर के बिगुनिया का प्लांट मिल जाता है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, उनके नाम और उनके जो कलर हैं वो देख सकते हो। एक बात और दोस्तों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि बिगुनिया का प्लांट एक सीजनेबल प्लांट है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये परमानेंट प्लांट है, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। सीजन में, सर्दियों टाइम में भी एक बिगुनिया का प्लांट आता है, मैं दिखा देता हूँ उसकी पिक्चर आपको। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो दोस्तों, ये विंटर के समय यानी कि सर्दियों समय बिगुनिया प्लांट आता है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, इसमें वैरायटी भी आप देखने को मिल जाती है दोस्तों। और जो आप अपने सामने देख रहे हो, ये इंडोर का प्लांट है दोस्तों। इंडोर में आप लगाइए, शेडेड एरिया में रखिए, पेड़ के नीचे रखिए। ये परमानेंट प्लांट है, काफ़ी लंबे समय तक चलते रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कटिंग की। कटिंग लगाना दोस्तों बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसे किसी भी मिट्टी में आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों जब इनकी साइज़ आप देख रहे हो कितना बड़ा हो जाता है, तो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता, तो इनकी कटिंग कर देते, एक प्रूनिंग कर देते दोस्तों। आप देख सकते हो अब इन्हें इतना लुक में अच्छा नहीं लगा, तो इनकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। चलो कर दो भैया, ज़्यादा धीरे धीरे, और इस तरह से प्रूनिंग कर देंगे और नीचे के इतना साइज छोड़ देंगे दोस्तों, ताकि जब नई लीव्स आएंगे तो कमला हमारा बढ़ जाएगा। अब इनकी हम प्रूनिंग कर चुके, और जो जिसकी हमने कटिंग करी है वो कटिंग हम इन गमलों में लगाने वाले हैं। जैसे लगाए, एक गमले में कम से कम 4 कटिंग हम लगाने वाले दोस्तों। तो कटिंग से आराम से लग जाता है, अगस्त के महीने में आप इनकी कटिंग ज़रूर लगाइए। कटिंग का साइज दोस्तों हमारा 4 से 6 उंगल का इंच या 4 से 6 इंच का मान लीजिए। कटिंग दोस्तों हम गार्डन सॉइल में लगा रहे हैं नॉर्मल, उसमें 20% की खाद मिली हुई है। पुरानी मिट्टी में भी लगा सकते हो आप, या रिवर सैंड या कोकोपीट, आसानी से लग जाती है उनमें भी। और एक गमले में कम से कम 3 या 4 कटिंग हम लगाने वाले हैं, ताकि जब भी कटिंग हमारी कामयाब हो, गमला भरा नज़र आए और अच्छे से सेल हो जाए। अगर आप चाहो तो दोस्तों कटिंग लगाते टाइम एलोवेरा जेल या रूटिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे रूटिंग जल्दी आ जाएगी और आपका प्लांट जो है 100% कामयाब हो जाएगा। तो देख सकते हो उधर दोस्तों, मिट्टी नॉर्मल मिट्टी लिया और 10-20% हमने गोबर खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरह से गहराई में लगाना। इसमें नोड एरिया होते हैं दोस्तों, ध्यान रखें वो नोड एरिया आपको मिट्टी में ज़रूर लगाना, जिसमें भी आप कटिंग लगा रहे हो वो एक हिस्सा नोड एरिया मिट्टी या कोकोपीट में लगा रहे तो वो उसमें दबी जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों इधर बुगड़िया की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और साथ ही साथ ही दोस्तों हमने तुलसी की कटिंग भी लगा दी है। तुलसी को भी आराम से कटिंग से लगाया जा सकता है। और इसके अलावा अब आता पानी डालने का काम। तो हमेशा दोस्तों कटिंग लगाने के बाद शेडेड एरिया में रखना है, यानी कि छाया में, ऐसी जगह जहाँ ताज़ी हवा से मिल सके। ये शहतूत का पेड़ है दोस्तों, उसके नीचे हमने रख दिए हैं। और पानी का ध्यान रखें, पानी ओवर वाटरिंग नहीं करना, कभी भी पानी दें तो 3रे या 4थे दिन पानी दें, वो भी मॉइस्चर देख के, ज़्यादा मॉइस्चर मत रखना, वरना बिगुनिया का प्लांट दोस्तों गल जाता है। चाहे कोई भी कटिंग हो, पानी आपको नॉर्मल देना होता है, वरना कोई भी कटिंग हो ख़राब हो जाती है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।